अगर मैं सरकार में आ गया तो एक बड़ी जेल बनाऊंगा राजस्थान के अंदर। उस जेल के अंदर एक महीने के अंदर, एक महीने में तमाम नेताओं की जांच करा के पिछले 40-50 साल से कौन कौन लूट रहा है उन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल के अंदर रखेंगे। और मैं तो यह भी प्रयास करूंगा कि वसुंधरा और गहलोत के लिए तो एक जेल हो और एक ही बैरक हो। बैरक, अरे रुको एक बार रुको, बैरक एक होगा, बैरक के बीच में लकड़ी का पार्टीशन करवा देंगे। वैसे वैसे गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से ही, ये तुम लोगों को पता नहीं अभी, इसलिए ये एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। और ये इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं, तीसरा होना ही नहीं चाहिए। वैसे गहलोत साहब ने कांग्रेस में जो छोटे छोटे बुलबुले उछल कूद करते हैं ना, उनका ऐसा इलाज किया उनके परिवारों का कि उनकी किस तरीके से दुर्गति राजस्थान में हुई, एक से बढ़ के एक, एक जिले से लेकर दूसरे जिले। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं इनसे लड़ा और मैं इनके चंगुल में नहीं फंसा। अगर वसुंधरा के चंगुल में फंस जाता तो मैं भी बाहर नहीं निकलता, जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंसे थे। एक मिनट को छोड़ो, पूरी पूरी बात तो सुनो। जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंस गए थे, उसी तरह राजस्थान के कई किसान नेता वसुंधरा के भंवर जाल के अंदर फंस गए थे। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाइयों को, राजस्थान के अग्निवीरों को,